गंदे वातावरण के कारण होने वाली बीमारियां अनेक हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात यूं कहें कि उपचार से बेहतर बचाओ। सुनते सब हैं, बोलते भी सब हैं, लेकिन करता कोई नहीं, और इसी बचाव को ना करने की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। आज मैं आपको उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में बताऊंगी, जो कि मानसून अपने साथ लेकर आती है। मानसून अपने साथ कुछ बारिश की बूंदों के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है, जिनमें से एक बीमारी डेंगू है, जिसे हम दंडक ज्वर के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको दंडक ज्वर के बारे में बताऊंगी, दंडक ज्वर कैसे हो जाता है, इसके क्या कारण हैं, और अगर दंडक ज्वर हो जाए तो उसके क्या लक्षण हैं, और आयुर्वेद दंडक ज्वर को ठीक करने में कितना सफल है। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम आनंद आयुर्वेद में स्वागत करती हूँ। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग है। यह एडीज मच्छर के काटने से होती है। इसमें मांसपेशियों और जोड़ों या फिर हड्डियों में बहुत ही भयानक दर्द होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि डेंगू किन किन कारणों से होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यह एक मादा मच्छर होती है जो कि दिन के समय में ही काटती है। इस मच्छर की कुछ खास अलग पहचान होती है, जैसे कि इस मच्छर के शरीर पर चीते जैसी कुछ धाराएं होती हैं। यह मच्छर ठंडे या फिर अंधेरी जगह में रहना पसंद करते हैं, या फिर छांव वाली जगह पर। यह मच्छर हमेशा साफ पानी में ही पैदा होते हैं। यह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। यह इन मच्छरों की पहचान होती है। अब बात करते हैं कि डेंगू हो जाने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मरीज को बहुत ज्यादा बुखार, तेज सिर दर्द होता है। बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। मरीज का पेट खराब हो जाता है। इसके साथ साथ शरीर में कमजोरी, उल्टी, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द, आँख में दर्द आदि जैसी समस्याएं भी दिखाई दे सकती हैं। अगर मरीज की स्थिति गंभीर हो जाए तो उसके शरीर से प्लेटलेट्स बहुत ही तेजी से गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह से, नाक से अथवा अन्य अंगों से रक्त स्राव हो सकता है, जिसकी वजह से बीपी यानी रक्तचाप भी बहुत कम हो जाता है। अगर डेंगू का इलाज सही समय पर नहीं करवाया गया तो यह बहुत ही घातक रूप ले सकती है। इसकी वजह से लिवर में सूजन, मसूड़ों से खून आना आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाए और खून बहुत ज़्यादा बह जाए तो व्यक्ति सदमे से मर भी सकता है। जी हाँ, जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए डेंगू का इलाज सही वक्त पर करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण ही आए तभी डेंगू हो। अगर एक दो लक्षण भी आए तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और डेंगू का इलाज सही वक्त पर कराएं, नहीं तो इससे मौत भी हो सकती है। अब तक डेंगू से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, प्रिवेंशन। जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सब प्रिवेंशन का नाम तो लेते हैं लेकिन करता कोई भी नहीं, तो इसीलिए प्रिवेंशन, रोकथाम करें, साफ सफाई रखें, यही डेंगू से बचने का सर्वोत्तम इलाज है। एलोपैथी में तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो डेंगू को ठीक करने में कारगर हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुर्वेद भी डेंगू जैसी घातक बीमारी को ठीक करने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने में बहुत ही सफल हैं। उनमें से कुछ औषधियों के नाम मैं बताती हूँ। गोदंती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस, आनंद भैरव रस, च्यवनप्रास खाएं, पपीता व गिलोय का जूस, गिलोय सत्व, महालक्ष्मी विलास रस आदि जैसी और भी बहुत सारी औषधियां हैं जो कि दंडक ज्वर यानी डेंगू को ठीक करने में बहुत ही कारगर औषधि है। जैसे कि हर बीमारी के लिए कोई ना कोई घरेलू उपचार भी बताया जाता है, वैसे ही डेंगू के लिए मैं कुछ घरेलू उपचार बताती हूँ। पपीते का रस डेंगू के बुखार के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। पपीते का रस डेंगू के रोगियों के अंदर प्लेटलेट्स की कमी को दूर करता है। बकरी का दूध,
बकरी का दूध भी डेंगू के रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स कम होने जैसी समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। अगर हम अपने घर में नीम के तेल का दीपक जलाएं तो इससे डेंगू के मच्छर घर के आसपास नहीं इकट्ठे होते। यह तो थे कुछ घरेलू उपाय डेंगू से बचने के। अब बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं जिससे आपको डेंगू ना हो, या फिर जिन रोगियों को डेंगू हो गया है वो इसको और घातक बनने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दें। खान पान संतुलित होगा तो शरीर में कमजोरी नहीं आएगी और शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं होगी। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। नारियल पानी, छाछ, जूस ऐसी चीजें ले सकते हैं। मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, यह सब लेना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अपने घर के आसपास कूलर, गमले या फिर खाली गड्ढों में पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो पानी के सूख जाने के बाद भी मच्छर उसमें पनप सकते हैं और वह जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए कूलर, बाल्टी या फिर किसी भी चीज़ को हमेशा उल्टा कर कर रखें ताकि उनमें पानी इकट्ठा ना हो। पूरे कपड़े पहने जो कि आपके शरीर को पूरी तरह ढक के रखे ताकि मच्छर आपको ना काट सकें। पर्याप्त मात्रा में आराम करें। जब तक रोगी सामान्य ना हो तब तक तरल आहार लेते रहें। तरल आहार लेने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। इससे आप डेंगू जैसी समस्या को घातक होने से रोक सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, डेंगू से बचने के लिए कोई भी ऐसी औषधि या फिर कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी हुई है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, प्रिवेंशन यानी बचाओ। तो आप मानसून के समय में बचाव कर इस घातक बीमारी से बच सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि पूरी दुनिया में मानसून के समय में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार हो जाते हैं। न्यूज़पेपर्स, टीवी, हर जगह डेंगू का आतंक छाया हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग बचाव नहीं करते। इसीलिए अपना बचाव कीजिए और डेंगू से बचिए। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई होगी। अब बात करती हूँ कुछ परम आनंद की सुविधाओं के बारे में। अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक औषधि या फिर किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर घर बैठे किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को मंगवाना चाहते हैं तो परम आनंद आयुर्वेद से मंगवा सकते हैं। अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारी वेबसाइट जो कि है www.paramanandayurveda.com पर जाएं और अपना ऑर्डर प्लेस करें। ऑफलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप 9999004674 पर कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या SMS भी कर सकते हैं। आपके ऑर्डर की पुष्टि 3 से 4 दिनों में आपको कॉल कर या SMS कर दे दी जाएगी। अगर आपके घर के आसपास कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक उपलब्ध नहीं है तो घबराइए मत, परम आनंद आयुर्वेद आपको इसकी भी सुविधा देता है। अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करना चाहते हैं तो आप 9999004674 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या आयुर्वेदिक चिकित्सक को बता सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो कि मैंने अभी बताई थी www.paramanandayurveda.com पर जाएं और कंसल्ट आवर डॉक्टर फॉर फ्री लिंक पर क्लिक करें और अपनी समस्या हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक को बताएं। अगर आप हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप परम आनंद आयुर्वेद की क्लिनिक पर भी आ सकते हैं जो कि मेन खैरा रोड नजफगढ़ पर स्थित है। यहाँ एक और विशेष बात, अगर आपको कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हमारी वेबसाइट पर नहीं मिल रही तो आप परम आनंद आयुर्वेद द्वारा दी गई VIP ऑर्डर फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी हमारी होम पेज पर ही उपलब्ध है। आपको इसे भरने के लिए सिर्फ अपना नाम, दवाई का नाम और बाकी डिटेल्स फिल करनी है और अपना ऑर्डर प्लेस करना है। इसके साथ साथ परम आनंद आयुर्वेद आपको 10-15% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा देता है। तो घर बैठे परम आनंद आयुर्वेद की सुविधाओं का लाभ उठाइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि अगली बार मैं किसी भी आयुर्वेदिक औषधि या फिर किसी भी बीमारी के बारे में बताऊं तो आप घर बैठे उसके बारे में जानकारी ले सके। जाने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, खाएं हेल्दी और रहें हेल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।